जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए कोर्स के बारे में कि एमए कोर्स क्या होता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एमए कोर्स करने के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कहां कहां पर क्या क्या जॉब मिलती है, और इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन एमए कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। तो आप लोगों के एमए को लेकर जितने भी क्वेश्चन है उन सबका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि एक एक चीज मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो साथियों, बात करते हैं कि एमए कोर्स के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को फुल फॉर्म तो पता ही होगा, मास्टर ऑफ आर्ट। आप एमए किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से कर सकते हैं, यानी कि आप एमए इंग्लिश से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं, किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से आपका एमए किया जाता है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? साथियों, आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो। ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं है कि आपने बीए किया हुआ हो। ग्रेजुएशन में आपने यदि बीकॉम किया हुआ है तो भी आप एमए कर सकते हैं, यदि आपने बीटेक किया हुआ है तो भी आप एमए कर सकते हैं, यदि आपने बीबीए किया है तो भी आप एमए कर सकते हैं, यानी कि आपने यदि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप एमए कर सकते हैं। यहां पर परसेंटेज की भी कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए तो आप एमए कर सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है तो आप एमए कर सकते हैं। हां, यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, एमए ऐसा नहीं है कि कोई भी, आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है आप किसी भी सब्जेक्ट से फिर एमए कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन है, यानी कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट में ही आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं साथियों, किसको एमए करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। साथियों, यदि आप वर्किंग में हैं तो आप एमए कर सकते हैं, या आपका टीचिंग फील्ड में आपको जाना है, टीचर आपको बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, या आपका जो फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एमए करना चाहिए। यदि आपका सपना है प्रोफेशनल लाइन में जाने का, प्राइवेट सेक्टर में जाने का, आपको कंपनी में जाना है, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग की फील्ड में आपको जाना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आप एमए ना करके फिर आपको क्या करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए। यदि आपका गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जाने का मन है, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, आपको अपने सब्जेक्ट का लेक्चरर बनना है, तो फिर आपको एमए करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अब एमए आप अपना रेगुलर से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, और प्राइवेट मोड से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपका यही है, यदि आप वर्किंग में हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई और स्टडी कर रहे हैं उसके साथ साथ भी आप एमए कर सकते हैं। एमए आप यानी कि डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में भी कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप इसके लिए क्या है, लो बजट कोर्स है, यानी कि इसके लिए फीस बहुत कम लगती है। यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, आप ज्यादा कैपेबल नहीं कि आप एमबीए कर सकें या पीजीडीएम कर सकें या कोई और बड़ा कोर्स कर सकें, तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसको करने के फायदे और भी हैं, जैसे आप अपना एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना एमबीए कंप्लीट करते हैं उसके बाद में आप उस सब्जेक्ट का आप क्या कर सकते हैं, पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं। एमए करने के बाद में आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, यदि आपको डॉक्टरेट में जाना है, रिसर्च करना है तो आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। एमए करने के बाद में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने अपना एमए कंप्लीट किया है उस सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, आप इतना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो साथियों, एमए करने के बहुत सारे फायदे हैं। यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जिस भी सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं, उस सब्जेक्ट में आप अपना एमए जरूर कंप्लीट करें। फिर प्राइवेट मोड, डिस्टेंस मोड, किसी भी मोड में आप कर सकते हैं, आपकी डिग्री पूरी तरीके से मान्य होगी। इसको लेकर यूजीसी ने भी नोटिस जारी किया हुआ है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।